अगला क्वेश्चन, के स्वागत के लिए जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगाया गया। अल्बर्ट एडवर्ड, हेनरी सप्तम, अष्टम, एलिजाबेथ द्वितीय और किन विक्टोरिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक होगा अल्बर्ट एडवर्ड। एडवर्ड, ये एडवर्ड सप्तम भी है, इसी को सप्तम भी कहते हैं, एडवर्ड सप्तम। पहले ये अल्बर्ट एडवर्ड था, बाद में आगे चल करके, क्योंकि उस समय तक तो ये राजा सम्राट नहीं था, आगे सम्राट बनेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नंबर एक होगा। हम जानते हैं कि राम सिंह द्वितीय, दोस्तों राम सिंह सेकंड, कहते हैं कि राम सिंह सेकंड जब जयपुर के राजा बनते हैं तो लॉर्ड लुडलो, जिनको प्रशासक नियुक्त किया, इसका एक प्रकार से लुडलो के समर्थन संरक्षण में ये राजा बने थे, क्योंकि ये छोटी सी उम्र में राजा बन गया था आपके राम सिंह सेकंड। दोस्तों राम सिंह सेकंड ने सबसे पहले क्या काम किया आपको याद होगा, राम सिंह ने एडवर्ड अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन पर, इसके आगमन पर लगभग आपके 1876 की बात है, 1876 में पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगाया, एक बात। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बता देता हूं, 1857 की क्रांति थी ना, इस क्रांति के समय यही राजा थे, राम सिंह ही थे, राम सिंह द्वितीय। देखो कोटा के भी राम सिंह द्वितीय, जयपुर के भी राम सिंह द्वितीय, इन्होंने अंग्रेजों का बहुत साथ दिया, ज्यादा साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इनको कोटपुतली की रियासत गिफ्ट में दी थी, राम सिंह को कोटपुतली रियासत, कोटपुतली नामक रियासत है जो गिफ्ट पर दी थी, और एक उपाधि दी थी सितारे हिंद। दोस्तों सितारे हिंद, सितारे हिंद याद रखें, सितारे हिंद की उपाधि किसको मिली, राम सिंह सेकंड को। क्यों? क्योंकि इसने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में, कोटपुतली रियासत भी मिली थी गिफ्ट के तौर पर अंग्रेजों के द्वारा, किसको मिली, राम सिंह को। आगे चल करके 1876 में दोस्तों इसी अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन पर अल्बर्ट है हॉल जो है, जो रामनिवास गार्डन में बना हुआ है, उसका शिलान्यास हुआ, यानी उसकी नींव रखी गई थी। दोस्तों अल्बर्ट के हाथों से नींव रखवाई थी, कितनी तारीख को, तारीख थी लगभग आपकी 16 फरवरी, 16 फरवरी 1876 का दिन था, 16 फरवरी 1876 के दिन खाई खुदा करके, नींव की खुदाई करके नींव रखी गई थी, और अल्बर्ट के नाम से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लेकिन आगे चल करके माधो सिंह के समय इसका निर्माण कार्य पूरा होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों एक बात तो ये हो गई, और इसी के आगमन पर पूरे जयपुर शहर को क्या किया, गुलाबी रंग से रंगवा दिया। दोस्तों एक तकड़ी बात और, मदरसा ए हुनरी, नाम तो सुना ही होगा है ना, रंगमंच के लिए, कला को संरक्षण देने के लिए मदरसा ए हुनरी, आपको याद होगा, उसी की स्थापना भी आपके राम सिंह सेकंड ने की थी। आगे चल करके एक और रंगमंच का वो जो थिएटर था ना, उस थिएटर का नाम क्या है, कोई बताएगा क्या मुझे, हाँ जी, प्रकाश थिएटर था क्या, प्रकाश थिएटर का स्थापना भी किसने की थी, प्रकाश थिएटर की स्थापना दोस्तों ये भी राम सिंह सेकंड ने की थी। प्रकाश थिएटर का पूरा नाम राम प्रकाश थिएटर था, प्रकाश थिएटर का पूरा नाम राम प्रकाश, राम प्रकाश थिएटर। दोस्तों इसकी नींव भी किसने रखी, राम सिंह सेकंड ने थी, याद होगा आपको 79 में। तो ये थे राम सिंह। हाँ, राम सिंह के बारे में एक तकड़ी बात बता देता हूं, जयपुर रियासत में जितने भी राजा हुए उन सभी राजाओं में से राम सिंह सेकंड का काल जयपुर की स्थापना के लिए स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है, जयपुर की उन्नति का स्वर्ण युग, जयपुर की उन्नति का स्वर्ण युग माना जाता है, किसका काल, राम सिंह सेकंड का काल। तो इस क्वेश्चन का जवाब नंबर एक होगा अल्बर्ट एडवर्ड, बाद में आगे चल करके सप्तम के नाम से राजा बनेगा। निम्न में से कौन मेवाड़ प्रजामंडल